हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट एंड हेल्दी किचन विद सीमा जायसवाल। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ सूजी का चीला। सूजी का चीला बनाने के लिए मैंने ये लिए हैं थोड़े से प्याज जो मैंने चॉप कर लिए हैं। ये मेरी शिमला मिर्च है, इसके मैंने सीड्स निकाल लिए हैं और इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये मैंने मेरी हरी मिर्च है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, और ये थोड़े से कड़ी लीव्स हैं, इसे भी मैंने बारीक काट। इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी सूजी। सूजी मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून। और ये मेरा दही है, इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मेरा 1 कटोरी दही है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। और इसको हम मिक्स करके रख देंगे, क्योंकि इन दोनों को सेट होने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो हम इसे मिक्स करके रख देंगे ताकि हमारी सूजी दही में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। दोस्तों, इसको सूजी और दही को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं, ये काफ़ी फूल रही हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने चीले में सामान डालना है वो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च, थोड़ी सी प्याज, ये मेरी कड़ी लीव्स हैं बारीक कटी हुई, ये कड़ी लीव्स डाल रही हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च। इसको पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, और इस बैटर को हमने अच्छी तरह से मिक्सचर बनाना है, इस तरह से मिलाना है। दोस्तों, हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से बन गया है। हमें इसे गाढ़ा गाढ़ा ही बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना, ना मीडियम, ना बहुत पतला करना है, ना बहुत गाढ़ा रखना है, ये इस तरह का। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जिंजर पाउडर। मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत जीरा। साबुत जीरे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप इसमें जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से नमक, मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। दोस्तों, इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, इसका मैंने अच्छा मिक्सचर बना दिया है। इस मिक्सचर को हमने डोसे जैसा मिक्सचर जो होता है वैसा ही बनाना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। गैस पर मैंने पैन रख दिया है, अब इसमें हम 2-4 बूंद ऑयल डालेंगे। नॉनस्टिक पैन है तो नॉनस्टिक पैन में बहुत कम ऑयल लगता है। तेज़ गर्म हो चुका है ये, मैंने गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना मिक्सचर। इसको हम फैला देंगे। इसे थोड़ा सा हम ढक देंगे ताकि ये थोड़ा सा स्टीम होके अच्छी तरह से पक जाए। आप देख रहे होंगे इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, ये नीचे से पक रहा है। थोड़ा सा हम इसको 2 मिनट के बाद खोल के देखेंगे, 2 मिनट में ये हमारा चीला तैयार हो जाएगा। आप देख रहे होंगे स्टीम बन रही है, ये थोड़ा सा स्टीम से पक गया है। और अब हम इसे चेक करेंगे, अब हम इसे चेक करेंगे कि हमारा ये चीला सिका है या नहीं सिका। दोस्तों, मैं इसको नाइफ की चाकू की सहायता से चेक कर रही हूँ, ये हमारा निकल रहा है। और आपने देखा है कि सिर्फ 2-3 बूंद मैंने इसमें ऑयल डाला है, 2-3 बूंद में ही हमारा चीला तैयार हो गया है। अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए, चीला बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है।
एक तरफ से सिक चुका है, स्टीम में पक चुका है, लेकिन एक मिनट के लिए हम इसे दूसरी साइड से भी सेकेंगे। इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही गैस को रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो हमारा चीला जल जाएगा। कभी लो फ्लेम पे कभी मीडियम फ्लेम पे हम अपनी गैस को करते रहेंगे। अभी हमारी गैस मीडियम फ्लेम पे थी, अब मैंने इसे लो फ्लेम पे कर दिया है। हमारा ये चीला दूसरी तरफ से भी सिक कर रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा सिक गया है। अब हम इसे प्लेट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें फिर से हम सिर्फ, ये देखिए, मैं चौथाई चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। इतना सा ही ऑयल डालना है। और इसमें मैं अपने इस बैटर को छोड़ रही हूँ। तो हमने फैला लेना है अच्छी तरह से। मैंने गैस को लो फ्लेम पर कर दिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी और हम इसे 2 मिनट के बाद खोल के देखेंगे। 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि इसमें स्टीम बन रही है, वो स्टीम से पक रहा है धीरे धीरे। अब हम इसे अपने नाइफ से चेक करेंगे। देखिए, इजीली निकल गया है। अब हम इसे अपनी झलिया से पलट देंगे इस तरह से, और 1 मिनट के लिए हम इसे दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। दोस्तों, 1 मिनट हो गया है, मैं इसे खोलकर देख रही हूँ। मेरा चीला बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल सिक चुका है। आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सिक चुका है। इसके अंदर बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। अब हम इसे अपनी प्लेट में निकालेंगे। दोस्तों, सूजी के चीले बनकर रेडी हो चुके हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप हमें लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे न्यू फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।